हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो प्लेसिबो। बच्चों, मेरा नाम है अमन सिंह और मैं आज आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन लेके आया हूँ। टॉपिक है अपना हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग इन एग्जाम। तो जो अपना नीट 2020 का एग्जाम होने वाला है मई में, उसमें कैसे नेगेटिव मार्किंग को आप अवॉइड करें, आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो आपका सही जाए, नेगेटिव वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना करें, छुए भी ना, इस बारे में पूरी मैं चर्चा लेके आया हूँ। तो ये पूरा जो टॉपिक है, मैं आपको कुछ वैसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिससे कि आप नेगेटिव मार्किंग आपकी कम से कम हो जाएगी, आपके क्वेश्चन गलत कम होंगे, जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे वो सही होगा, नेगेटिव मार्किंग को आप अवॉइड कर पाएंगे। काफी सारे बच्चे यहाँ पे हैं, उनके साथ यही दिक्कत है कि सर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा लगता है सही है, फिर हम टिक कर देते हैं भावनाओं में बह के, और भावनाओं में बह जाने के बाद जब उसे टिक कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया, जो प्लस 4 मिलना चाहिए था उसी की जगह माइनस 1 मिल गया, नुकसान हो गया उल्टा। तो बच्चे, वो नेगेटिव मार्किंग आप एग्जाम में ना करें, उसके लिए आपको आज से किन किन बातों पर ध्यान देना है, कुछ कुछ कैसी कैसी आदतें हैं जो अपने अंदर डालनी है और कैसी कैसी आदतें हैं जो अपने अंदर से निकालनी है, इन सारी बातों पर फोकस है। तो अगले अभी 3 से 4 महीने अपने एग्जाम को लेके बचे हुए हैं, तो अगर बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो ऑब्वियसली नीट 2020 में आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन नेगेटिव नहीं जाएगा, आप सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे वो सही करके आए, और ये करना बहुत जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एस करने के लिए, क्रैक करने के लिए और एक बहुत अच्छी रैंक लाने के। ठीक है, तो बच्चों, मेरा नाम है अमन सिंह एंड आई एम फिजिक्स फैकल्टी इन न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा राजस्थान, और इससे पहले बच्चे मैं अलंकार इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट और बंसल क्लासेस में भी काम कर चुका हूँ। तो एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्शन है मेरे पढ़ाए हुए, बहुत सारे बच्चे डॉक्टर सभी बन चुके हैं, बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशंस ले चुके हैं। तो अब वही सारा एक्सपीरियंस आपके पास अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं लाने वाला हूँ, और फिजिक्स को काफी मजे के साथ साथ डिटेल में यहाँ पे पढ़ते रहेंगे, और कुछ बातें जो आप लोग के लिए एज अ गाइडेंस रहेंगी वो मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करता रहूंगा। तो बच्चे, माई सेल्फ अमन सिंह, और इस टीम पे आप देख सकते हैं चैनल पे बकुल देव सर, आनंद मणि सर, ऋतु रतेवाल मैम, हर्ष जलानी सर, विपिन शर्मा सर, कई ढेर सारे एजुकेटर्स हैं, टॉप क्लास के एजुकेटर हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर है जो अपने चैनल पे अवेलेबल है, और अब मैं भी इनके साथ जुड़ गया हूँ और मेरे भी कोर्सेज, मेरे भी लेक्चर्स आप यहाँ पे देख पाएंगे रेगुलरली। बच्चे, अपना यहाँ पे एक नीट प्लेसिबो का बच्चे टेलीग्राम पे चैनल भी है जिसको आप फॉलो करें, इस पे प्लेसिबो से रिलेटेड जितनी भी वीडियो की डिटेल्स हैं, अपना कोर्स का मटेरियल है, आपके नोट्स हैं, होमवर्क है, सारी चीज अपडेट होती रहती है जो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, तो इसको जरूर फॉलो करें। तो दिस इज अ टीम, अमन सिंह, डॉक्टर आनंद मणि एंड हर्ष जलानी सर। तो हम तीनों लोगों ने बच्चे आपके लिए प्लस पे, अनअकैडमी प्लस पे, यूट्यूब पे नहीं बच्चे, प्लस पे आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिस क्रैश कोर्स को फॉलो करके नीट 2020 से पहले अप्रैल तक आपका पूरा कोर्स बहुत डिटेल्ड थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट के साथ रिवाइज कराया जाएगा, और आप उसको बहुत अच्छे से एक बार रिव्यू कर पाएंगे, रिव्यू कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो कोर्स है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो बच्चे, हम तीनों लोगों ने आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जो आप लोग की नीट 2020 में बहुत अच्छी रैंक लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्रैश कोर्स को फॉलो करें। हर एक चीज, फिजिक्स का हर एक टॉपिक बच्चे मैं रिवाइज करा रहा हूँ, हर एक टॉपिक डिटेल में थ्योरी, डिटेल में क्वेश्चन, और उस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका नीट में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, अप टू 95% चांसेस है उन क्वेश्चंस को आने के, वही सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स ही करा रहा हूं। तो इस क्रैश कोर्स को फॉलो करके आपकी रैंक जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाएगी एग्जाम में, इस बात की गारंटी है। तो वाई प्लस, बिकॉज प्लस पे बच्चे रेगुलर क्विज एंड टेस्ट होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन रहते हैं, 3 लेक्चर के बाद 4th लेक्चर डाउट होता है, उस डाउट सेशन में अपने होमवर्क जो भी किया उसके डाउट, जो थ्योरी में डाउट्स हैं, एक्स्ट्रा बुक कर रहे हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लासेस लाइव रहती हैं तो इंटरेक्शन टीचर से बहुत बढ़िया इंटरेक्शन मेंटेन रहता है, कोई भी चीज़ तुरंत का तुरंत पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आया दोबारा से पूछ सकते हैं, टीचर आपको समझाएगा, दूसरे एग्जाम्पल से समझाएगा।
चौथी बात जो आ जाती है पर्सनलाइज लर्निंग। अपनी अनअकैडमी प्लस पे जो क्लासेस हैं बच्चे वो पर्सनलाइज रहती हैं, मतलब जिस टीचर का पढ़ाने का तरीका, टीचिंग मेथडोलॉजी सब कुछ आपको बेस्ट सूट करता है, जिसका पढ़ाने का तरीका आपको डायरेक्टली जिसके पढ़ाए हुआ सीधा सीधा आपके भेजे में घुसता है, आप उस टीचर की क्लासेस करें। देयर आर मोर देन 50 टीचर्स टीचिंग ओनली फॉर नीट यूजी। किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में 50 टीचर नहीं मिलेंगे जो आपके लिए अवेलेबल हो पढ़ाने के लिए। फिजिक्स में 15 टीचर हैं, केमिस्ट्री में 15 टीचर हैं, बायो में कम से कम 20 टीचर हैं। तो इतने सारे जब टीचर्स अवेलेबल हैं, आपको जिनका टीचिंग मेथडोलॉजी, जिनका पढ़ाने का पेस तरीका सब कुछ बेस्ट लग रहा है, आप किसी के भी कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, भले ही आप किसी भी टीचर के कोर्स से सब्सक्राइब करें प्लस पे, किसी भी टीचर का कोर्स फॉलो कर सकते हैं। तो जिसका आप बच्चे कोर्स फॉलो करेंगे, जिस किसी भी टीचर का अगर आप कोर्स फॉलो करते हैं, तो जो भी आपका जिसका पढ़ाने का तरीका आपको बेस्ट सूट कर रहा है, अगर जब आप उनसे पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है जो आपकी टेस्ट में रैंक है वो इम्प्रूव होगी, जो सब्जेक्ट को लगे अंडरस्टैंडिंग है वो भी इम्प्रूव होगी, और ये सारी चीजें बहुत फायदेमंद है बच्चे आपके प्लस। तो देख सकते हैं एन नंबर ऑफ टीचर्स है जो प्लस पे अवेलेबल है, बहुत शानदार सी टीम है। ये जो मैं क्रैश कोर्स की बात कर रहा, देखिए क्रैश, यहाँ पे जब अनअकैडमी प्लस पे जाएंगे तो कोर्सेज का डैशबोर्ड दिखाया जाएगा। तो क्रैश कोर्स फॉर नीट 2020 पार्ट बी, ये मेरा कोर्स है। इसी तरह बच्चे अनअकैडमी प्लस पे टेस्ट सीरीज है, 41 टेस्ट है 13th वालों के लिए, 12th वालों के लिए भी 41 टेस्ट है, और 11th वालों के लिए भी 41 टेस्ट है। तो बच्चे जब इतनी बार टेस्ट दे लोगे ना, तो टेस्ट देना घर जैसा लगेगा, इतने कंफर्टेबल हो जाओगे टेस्ट में कि नीट जब 2020 देने जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि कुछ भी नया नहीं है। तो जो नर्वस हो जाते हैं एग्जाम समय पे, घबराहट हो जाती है, भैया एग्जाम देने जा रहे हैं कैसा जाएगा, इतने जब टेस्ट दे लोगे तो वो आदत हो जाएगी, तो कोई दिक्कत महसूस आपको नहीं। ठीक है बच्चे, तो ये अनअकैडमी का अपना लर्निंग ऐप है, इसको इंस्टॉल करें और गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएं, क्लिक करें। क्यों सब्सक्रिप्शन लेना है ये बात मैं समझा देता हूं। इसके लिए बच्चे इन सारी बातों को, कोर्स को, पैसों को, इन सबको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़े से देर में। अभी अपने टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में कैसे अवॉइड करें, इसके लिए बच्चे जो कुछ आदतें हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं वो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहला, नेवर चेक आंसर व्हाइल डूइंग होमवर्क। क्या मतलब होता है बच्चे समझना, जब हम होमवर्क कर रहे होते हैं, हमें होमवर्क मिला है स्कूल में या कोचिंग में, हम होमवर्क कर रहे हैं, हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, पीछे आंसर मिला लिया, ए आया, बी आया या सी आया, डी। मान लो आपका आंसर आया था सी, आंसर पीछे दे रखा था बी, आपने तुरंत देखा बी, वापस से देखा, अरे यार ये सिली सी मिस्टेक कर दी थी, छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, तुरंत ऐसे करके बी कट कर लिया। तो वहां हम अपने आप को बेवकूफ बना लेते हैं कि हमने, हमें आता था। एग्जाम में भी हम मोस्टली जो नेगेटिव करते हैं, ऐसा नहीं तुक्के ही मारा है, सिली मिस्टेक होती है छोटी मोटी। तो हमें जब घर पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चल रहा होता है कि हम सिली मिस्टेक घर पे ही कर रहे हैं। तो ये जानो कि तुम जब घर पे, मान लो तुमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो 20 में कितने क्या कहते हैं सही हुए, कितने गलत हुए, कितनों में सिली मिस्टेक थी, कितने में कंसेप्चुअल मिस्टेक थी, कितनों की थ्योरी नहीं मालूम थी, ये पता करना बहुत जरूरी है। उसके लिए बच्चे कभी भी आंसर तुरंत मत चेक करो, जैसे तुमने क्वेश्चन नंबर 1 किया तुरंत 1 का आंसर मिला लिया, फिर 2 किया तो 2 का मिला लिया, 3 का किया 3 मिला लिया, ये आदत बिल्कुल गलत है, इस आदत को अवॉइड करना है। अवॉइड करो इस आदत को, एक बार को एक क्वेश्चन करके एक आंसर मैच करना, ये सबसे गलत तरीका है, ये सबसे बड़ा पाप है बच्चे करना। ऐसी ही आदतों की वजह से, ऐसी ही हरकतों की वजह से अपनी रैंक सफर करती है, अपना सिलेक्शन सफर करता है, बिकॉज हमें पता ही नहीं चलता है कि हम सिली मिस्टेक कितनी ऑफन कर रहे हैं। सही तरीका क्या है, मान लो आपने एक घंटे का टारगेट लेके बैठे, मान लो लेट से 30 क्वेश्चंस का, मान लो वैसे आइडियली आपका एक घंटे का टारगेट जो होना चाहिए वो 60 क्वेश्चंस का होना चाहिए, लेकिन मान लो 30 क्वेश्चंस का टारगेट लेके बैठे आप एक घंटे में पहले 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। जब 30 के 30 सॉल्व हो जाएं तभी आंसर मैच कराओ, फिर देखो कितने सही है, 1 सही, 2 सही, 3 सही, 4 गलत, 5 गलत, 6 सही, 7 सही, 8 सही, 9 गलत, 10 गलत, 30 सही, जो भी है।
खुद एक बार में पहले पूरा का पूरा होमवर्क करो, फिर एक साथ मिलाओ। वन बाय वन वाली जो स्कीम है वो बहुत गलत है, वन बाय वन वाली जो स्कीम है वो बहुत गलत है, इसको अवॉइड करना है। इस चीज को करना क्या है, एक बार में करो। अरे देखो, जैसे तुम्हें एग्जाम देना ना वैसे ही होमवर्क करो, दैट्स इट। एग्जाम में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है क्या कि क्वेश्चन किया, चेक मिला लिया सही था कि गलत? नहीं कर सकते, तो फाइनल रिजल्ट आने पे ही पता चलता था, या आंसर की घर आगे कोचिंग से आंसर मिला लिया तभी पता चलेगा ना। एग्जाम में या टेस्ट पेपर में ये फैसिलिटी थोड़ी ना अवेलेबल थी, एक चेक किया फिर दूसरा किया दूसरा चेक किया। जब एग्जाम में अपने टेस्ट में जब तुम सारे के सारे करने के बाद ही, घर आने के बाद ही तुम्हें आंसर सही पता चलते हैं, तो होमवर्क को उस तरीके से क्यों नहीं करना? जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास आंसर की अवेलेबल है, तुम क्या अपने साथ बेईमानी करोगे? बेटा कभी भी खुद के साथ, अपने खुद के साथ बेईमानी ना करें आप। ये सबसे बड़ी बेईमानी होती है, खुद के साथ बेईमानी करना। तो क्या पहला जो पाठ आई समझ में आई, नेवर चेक आंसर वाइल डूइंग होमवर्क। नेवर चेक से मतलब वन बाय वन, क्वेश्चन नंबर वन किया उसका चेक कर लिया, टू किया उसका चेक कर लिया, क्वेश्चन नंबर थ्री किया इसका चेक कर लिया, ये काम नहीं करना है। क्या करना है, पहले 30 के 30 क्वेश्चन, मान लो एक घंटे में 30 क्वेश्चन बायो कर रहे हो, मान लो 60 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो 60 के 60 पहले आप सॉल्व करें, फिर 60 के 60 के आंसर एक साथ मैच कराएं, और मैच कराने के बाद आप एनालिसिस करें कितने सही हुए कितने गलत हुए, कितने में सिली मिस्टेक थी, फिर उनको डिस्कशन कर लो, फिर एक बार वापस से देख लो कि क्या गलती हो गई। वो बाद में सही है लेकिन एक एक करके करना गलत है। और हर बार जब भी करो उसके बाद नोट करो कि इस बार 60 किए थे तो 20 गलत थे 40 सही थे, और अगली बार कोशिश करो, दिमाग में होना चाहिए यार 20 गलत हो गए थे सिली मिस्टेक की वजह से या कुछ छोटी मोटी गलती, अब की हमें इतने नहीं करने, अगली बार वापस से अगले दिन किया तो 45 सही कर लिए 15 ही गलत है। इस चीज को घटाना है, इसको बढ़ाना है, ये तरीका है। हमेशा दिमाग में होना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हम एक घंटा पेपर दे रहे हैं 30 क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम कितने सही कर रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, और उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है घर पे कि नहीं। ये बात सीधा का सीधा एग्जाम में पता चलेगी, तो पता चल के भी बच्चे अब आपके पास समय नहीं रह जाएगा उसको सही करने का। तो जब भी होमवर्क दें तो करें तो पूरा का पूरा होमवर्क एक साथ करें, फिर पूरे के पूरे आंसर एक ही एक साथ लें। और अभी जितने भी मॉक टेस्ट देंगे सबकी एनालिसिस करेंगे, और जितना भी घर पे होमवर्क, डेली होमवर्क टेस्ट पैटर्न में करो। होमवर्क जब भी लेके बैठो 3 घंटे के लिए बैठो, 3 घंटे में डिसाइड कर लो जितने भी क्वेश्चन करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कर लो, उसके बाद सबके आंसर एक साथ मैच कराओ। एक एक कराने, एक एक करके मैच कराने का कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इतनी बात है। दूसरा, रिवाइज नोट एवरी टाइम बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। मान लो कोई टॉपिक रिवाइज करना है तो ऐसा नहीं कि सीधा सीधा उसके सवाल लगाने लगे, सवाल लगाने से पहले थॉरली अपने नोट्स को रिवाइज करो, ईच एंड एवरी नोट जो टीचर ने लिखाया होता है। जैसे मैं अपने बच्चों को कहता हूँ मेरे नोट्स जरूर रिवाइज करो, बिकॉज मैंने अपने नोट्स में वो सारी बातें कर रखी है कि अगर तुमने मेरे नोट्स को ही सिर्फ अच्छे से कर लिया, नोट्स वाले ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया, तो 150 प्लस मार्क्स तो आने ही है। और ऐसा मेरे को बहुत बच्चों ने बोला, कम से कम 100 बच्चे मेरे को ऐसा बोल चुके जो मेरे पढ़ाए हुए डॉक्टर हो चुके हैं कि सर पूरा का पूरा नीट का पेपर आपके नोट से ही आता है, हम फालतू में इतनी किताबों में लगे हुए थे। अच्छा, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, इतना एक्सपीरियंस है उसे, तो उसे मालूम है कि आपको क्या देना है क्या नहीं। तो एवरी टाइम अपने नोट्स को थॉरली, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, अगर कोई नोट लिखवाया तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो नोट्स में, वरना तो मार्केट में बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारी किताबें, सब कुछ थोड़े लिखा देते हैं नोट्स में। हमने अगर 20 किताबें पढ़ी हैं, 20 किताबों के क्वेश्चन देखे हैं, तब उसमें से 2-4 निकाल के आपको देते हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एवरी टाइम कोई भी क्वेश्चन टॉपिक, जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज रिवाइज करने का सोचा, तो उसके 50 सवाल लगाने की कोशिश सोचा, तो उसके 50 सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स जो पढ़ाए आपने, उसको बहुत थॉरली, बहुत अच्छे से, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिवाइज करें।
रिवाइज करने से आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे। तो जो सिली मिस्टेक का तो तरीका बता दिया, अब जो कंसेप्चुअल एरर करते थे वो खत्म होगी। नोट्स जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी ज्यादा आपकी मेमोरी में वो सेव होता जाएगा, उतने ज्यादा आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे। और जब नोट्स रिवाइज करके आप अटेम्प्ट करेंगे पेपर, तो आपको टाइम भी कम लगेगा। लेट से बिना रिवाइज किए अगर मान लो आपने 60 क्वेश्चंस किए सॉल्व, तो उन 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लेट से बिना रिवाइज किए आपको अगर 3 आवर्स लग रहे हैं, तो मेरी बात मानिए, अगर आप 1 घंटा तरीके से नोट्स रिवाइज करते हैं, तो इन्हीं 60 क्वेश्चंस को आप 1 ही घंटे में कर लेंगे। क्योंकि आपको तुरंत पूरा नोट्स रिवाइज किया, आपको तुरंत पता चल रहा, अच्छा ये क्वेश्चन इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है, इसको इस तरीके से करते हैं। मतलब क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर सोच रहे हो क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करते थे, तो टाइम भी एक तो ज्यादा लगेगा बिना नोट्स रिवाइज किए। नोट्स रिवाइज करोगे तो कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, हर बार रिवाइज करोगे हर बार स्ट्रांग होंगे, और जो क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम है वो घटेगा। तो कंसेप्चुअली स्ट्रांग होने के लिए नोट्स रिवाइज करें, जिससे कंसेप्चुअल एरर की वजह से जो नेगेटिव मार्किंग आती थी वो कम होगी। तो अभी तक के 2 चीजें पता चली अच्छे से, अरे हाँ ना, नोट्स वाली जो बातचे बात बताई, इसीलिए बच्चे मैं कह रहा हूं कि जो मेरा अभी अनअकैडमी का जो क्रैश कोर्स है, मैंने जो ये वाला क्रैश कोर्स बताया था जो सिर्फ और सिर्फ प्लस पे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बच्चे जब क्रैश कोर्स को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उस क्रैश कोर्स में मैं अपने फुल वाले नोट्स भी दे रहा हूँ बच्चों को, और क्रैश कोर्स वाले मतलब क्रैश कोर्स में इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बिल्कुल ही फोकस्ड, और थोड़े डिटेल वाले नोट्स भी बच्चों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ओवर अ चैनल। तो तुम्हें मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे, प्लस क्रैश कोर्स को फॉलो करोगे तो ईच एंड एवरी कंसेप्ट मैं खुद तुम्हें पढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि जब क्रैश कोर्स प्लस में पढ़ाते हैं तो 2 आवर्स की क्लास है, जब 2 घंटे दे रहे हैं डेली तो 2 घंटे में बहुत इजीली चीजें मैं कवर कर सकता हूं, जो कि यूट्यूब पे मैं नहीं कर सकता, या फिर यूट्यूब पे मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो क्रैश कोर्स बच्चे आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसको आप जरूर फॉलो करें। फॉलो करना चाहते हैं तो बच्चे वही मैं कह रहा हूँ, जो भी लेना चाहते हैं 6 मंथ्स का और इधर 3 मंथ्स का, दोनों ही सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कंटिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन को आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 24,000 बच्चे, बहुत नॉमिनल फीस है ये। एक स्मार्टफोन ले लो तो आज की डेट में उससे ज्यादा महंगा आता है। और 10% का अगर बच्चे ये मेरा कोड ASLIVE लगा देते हैं, आगे वाले पॉइंट भी अभी डिस्कस करेंगे, और भी पॉइंट्स हैं अभी, तो ये फीस सिर्फ और सिर्फ 21,600 पड़ेगी, तुरंत बच्चे 10% का ऑफ मिल जाएगा। और बच्चे फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो मेरे को इस नंबर पे आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। फोन ना उठे तो मैसेज कर दें, अपना जो भी मैसेज है मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। अगर पेरेंट्स से बात करानी है तो पेरेंट्स से भी बात करा से, मैं आपके पेरेंट्स को समझाऊंगा व्हाई दिस कोर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। बच्चे ये मत देखो 21,600 रुपए लग रहा है, ये देखो इस कोर्स को फॉलो करके आपकी पूरा का पूरा 1 साल बच सकता है, पूरा का पूरा 1 साल बच सकता है। आप अपने नीट के ड्रीम स्कोर पे जा सकते हो, अपना नीट जो मेडिकल डॉक्टर बनने का सपना देखा था वो पूरा कर सकते हो, डॉक्टर बनने के लिए जो कॉलेज सोचा था उस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। ठीक है बच्चे, तो एक बहुत अच्छी टीम है अनअकैडमी प्लस पे। ऐसा नहीं कि इसको करने से सिर्फ मेरा क्रैश कोर्स ही फॉलो होगा, इस कोर्स को लेने से अनअकैडमी पे जितने मान लो कुछ टॉपिक वीक रह गए बायो के, तो बायो वाले सर के भी कोर्सेस फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये टाइप करने से मेरे कोर्स मिलेंगे, अनअकैडमी पे नीट के लिए जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनके जितने भी कोर्स हैं, जितने भी लेसन हैं, सब कुछ सारा कंटेंट मिल जाएगा इस इतनी ही फीस में। बस एएस लाइव लगाने का लॉजिक क्या रह जाएगा कि आप एक तो मेरे थ्रू कनेक्ट हुए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, फर्दर आपको कभी कोई नोट चाहिए या कुछ इश्यू हो गया, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी डिस्कस करना है, तो आई विल बी अवेलेबल एट दिस नंबर, आई विल बी लाइक अ लोकल गार्जियन टू यू और अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनअकैडमी टू यू। तो जरूर सब्सक्राइब करें, और बच्चे ये मेरा कोड है AS लाइव लगाना ना भूलें। और जो बच्चे यहाँ पे मेरा लेक्चर देख रहे हैं, अगर वो बच्चे अगर क्लास अभी मतलब नीट 2021 को लेके फोकस्ड है, तो आइदर 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन लें। 12 मंथ सब्सक्रिप्शन की फीस है 30,000, उसमें भी फर्दर वापस से वही मेरा कोड AS लाइव लगाते हैं, 10% का डिस्काउंट हो जाएगा 27,000। और वही अगर बच्चे 24 मंथ लेना चाहते हैं, पूरे टू ईयर की 48,000, उसमें भी AS लाइव बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके लिए, AS लाइव
43,200। वही बच्चे अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कभी करने का सोचोगे ना, तो एक साल की फीस है 1.5 लाख। दो साल की कितनी लगेगी? 3 लाख। फिर हॉस्टल के खर्चे, इतने सारे खर्चे, ये सिर्फ घर बैठे हो जा रहा है। और क्वालिटी, बेस्ट टीचर, कोचिंग ज्वाइन भी कर ली तो तीनों सब्जेक्ट अच्छे हुए जरूरी नहीं है, यहां गारंटी है। क्यों? क्योंकि टीचर आप चूज कर रहे हो, जिनसे पढ़ना आपको बेस्ट लग रहा है उनसे पढ़ रहे हो। देखो लिखा भी है 49 प्लस टॉप एजुकेटर ओनली इन नीट यूजी सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चे, तो बच्चे आप लोग जरूर लें सब्सक्राइब, और कोई दिक्कत हो मेरे को इस नंबर पे कॉल कर ले, 9540316090, मैं आपके आंसर दूंगा। और AS लाइव कोड जरूर ध्यान रखें। ठीक है बच्चे, अब आगे की बात करते हैं, रिवाइज नोट्स। आगे 3 आवर्स सिटिंग्स एट होम। एग्जाम में एक दिक्कत और आती है बच्चे, जब एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं या पेपर दे रहे होते हैं, तो शुरू का 1-1.5 घंटा, 1 से लेके 1.5 आवर तो अपना दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। लास्ट के 1.5 से 3 आवर्स में अपन को सर में दर्द होने लगता है। लास्ट में जो भी अटेम्प्ट करते हैं, ऐसा होता है कि नहीं, ईमानदारी से बताना, जो भी अटेम्प्ट करते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, गलतियां ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे हमने कभी 3 घंटे बैठ के एक साथ होमवर्क किया ही नहीं, तो अपनी बॉडी को, अपने माइंड को इस तरह से ट्रेंड ही नहीं किया कि 3 घंटे लगातार एक बहुत शानदार एफिशिएंसी पे काम करें। तो ऑब्वियसली बात है, आखिरी वाले आवर्स में क्या होता है बच्चे, एफिशिएंसी डाउन जाती है। और उस आखिरी वाले आवर्स में हम जनरली, मैंने देखा है बच्चों को फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, जो सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव और सबसे ज्यादा दिमाग जिसमें रिक्वायर्ड है, और वहां पे आप अंडर परफॉर्म करते। तो वो अंडर परफॉर्म ना करो, दिमाग के सिकनेस की वजह से, माइंड हैवी हो गया, माइंड ही नहीं, अपनी बॉडी ही नहीं सपोर्ट कर रही, उसकी वजह से भी जो आप छोटी मोटी गलतियां कर रहे हो, जिसकी वजह से भी जो नेगेटिव मार्किंग्स हो रही हैं, उनको भी अवॉइड करना है। और उसका तरीका क्या है, जब भी पढ़ने बैठे तो 3 घंटे बैठे, मतलब पेन, कॉपी, पेंसिल, जितना पढ़ना है सब कुछ टेबल पे रख लिया, पानी की बॉटल रख ली, कि एनी हाउ आप पहले 3 घंटे से पहले अपनी चेयर को छोड़े ही ना। 3 घंटे लगातार बच्चे चेयर पर बैठ के पढ़ना है, इस बात की कसम खा लो। अगर तुम इस बात की कसम खा लोगे तो गारंटी के साथ तुम डॉक्टर बन जाओ। 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना है, 3 घंटे पेपर देना है, तो जब भी होमवर्क बैठो करने बैठो, 3 घंटे लगातार पढ़ो। सिंपल सा आइडिया, ये बात आई समझ में? तो जब 3 घंटे पढ़ना सीख जाओगे तो आखिरी के घंटे में भी आपकी फेसेस बढ़ेगी, तो आखिरी के घंटे में जो बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही थी, अपना दिमाग साथ नहीं दे रहा था, उसकी वजह से जो गलतियां कर रहे थे वो गलतियां भी खत्म होंगी। तो ये तो हो गया तीसरा तरीका। कंफर्टेबल है बच्चे? अटेम्प्ट पेपर इन 3 स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक सीक्रेट पार्ट है जो आपको बताने वाला है। समझना, कभी भी पेपर जब अटेम्प्ट करें तो ऐसा नहीं कि पहले पूरी बायो कर ली, फिर पूरी केमिस्ट्री, फिर पूरी फिजिक्स, या फिर पहले पूरी फिजिक्स, फिर पूरी केमिस्ट्री, फिर बायो, ऐसे नहीं। पेपर को 3 स्टेप में करो, मतलब पेपर खोलो और फर्स्ट हाफ आवर में, पहले 30 मिनट्स में वर्टिकल रीडिंग में तुम्हें, मतलब हर पेपर में दिख जाएंगे यार, इस तरीके के क्वेश्चन तो देखे हुए हैं, कर रखे हैं, अभी रिवाइज किए थे सर ने क्लास में, जिनके आंसर आपको याद होते हैं, हर पेपर में ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो बायो के 90 क्वेश्चंस में से वो सारे क्वेश्चंस जिसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, देखते ही तुम्हें आंसर मालूम है, वो सारे टिक करते चले जाओ। फिर केमिस्ट्री के भी वो सारे जो सबसे सिंपल वाले क्वेश्चन है, सबसे इजी, देखते ही जो समझ में आते हैं, अच्छा इसका तो आंसर ये होता है, जिसका आंसर हमें याद है, मतलब सॉल्व ही नहीं करना। और फिर फिजिक्स के भी वो वाले क्वेश्चन जो हमें सबसे अच्छे तरीके से आते हैं, जिसमें हमें बहुत एफर्ट बिल्कुल भी नहीं देने। तो शुरू के 30 मिनट में आप देखोगे पूरे पेपर में, मैंने देखा है हर साल पूरे पेपर में अबाउट 30-40% पेपर इतना लल्लू होता ना, इतना लल्लू कि देखते ही करने वाला। तो इस 30 मिनट में आपको एटलीस्ट तीनों में मिला के, अगर मैं बात करूं तीनों में बच्चे, अगर मैं मिला के बात करूं तो इस 30 मिनट में फिजिक्स के 10 सबसे इजी वाले, केमिस्ट्री के सबसे 10 और बायो के सबसे 10-30, तो ये 50 क्वेश्चंस सॉल्व कर लेने एटलीस्ट। समझ रहे हो ना, ये थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो 45 में से 10 तुम देखोगे ना फिजिक्स में, तो बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन होते हैं जो देखते ही हमें समझ में आते हैं। तो हमें सीक्वेंस में नहीं चलना है, हमें पहले 30 मिनट
आराम से पेपर को देखते चले जाना, पेपर पलटते जाना है, जो लगता है अरे ये क्वेश्चन तो देख रखा टिक, ये क्वेश्चन देख रखा अच्छा इसका आंसर ये बताया था टिक, ये तो क्लास में कराया हुआ टिक, ऐसे करके दे, और तुम पूरे पेपर, हर पेपर में देखोगे तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जैसे ही पहले 30 मिनट में आप 50 क्वेश्चन मतलब 200 का मार्क आप क्रॉस कर चुके, आपका कॉन्फिडेंस वेल ही है, ठीक है। अब जब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है तो जिस पार्ट में तुम थोड़ा डिफिकल्ट महसूस करते हो, जैसे मान लो आपको फिजिक्स ही डिफिकल्ट लगती है, जनरली बच्चों को फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है, तो क्या करो 30 मिनट दे दिए, अब नेक्स्ट 45 मिनट्स फिजिक्स के मीडियम वाले क्वेश्चन, मतलब जिनको तुम्हें देख के लगता है कि ऐसा सवाल मेरे को क्लास में कराया गया था, मैंने पहले कर रखा है, बिल्कुल नया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूना है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, तो इन 45 मिनट में आप 25 या 30 क्वेश्चंस 30 तक कोशिश करेंगे करने की एक्स्ट्रा, क्योंकि कॉन्फिडेंस वैसे ही पहले से बूस्ट है, और आपको बिल्कुल भी जो टफ वाले हैं डिफिकल्ट वाले इनको छूना ही नहीं है, कट। डिफिकल्ट कैसे पता चलेगा, जो क्वेश्चन नया लग रहा है एग्जाम में, ऐसा लग रहा है इस तरह के क्वेश्चन देखा ही नहीं, पढ़ेंगे इक्वेशंस लिखेंगे तो शायद सॉल्व हो जाएंगे, जहां भी शायद आ रहा है वो खत्म कर दो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हें ऐसा ही लगता है कि, और तुम देखना भी ऐसे ही होते हैं कि जो हमने पढ़ाया है उसी से आते हैं, तो जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व कर रखा है, इस किताब में सॉल्व कर रखा है, नोट्स में सर ने करा रखा था, उन्हीं को अटेम्प्ट करो, 45 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लो, 25 से 30, तो आप ऑलरेडी अगर 25 किए तो प्लस 10 पुराने वाले 35 से 40 क्वेश्चन फिजिक्स के कर चुके जो सबसे डिफिकल्ट लग रहा था। बात आई समझ में? अब बायो या केमिस्ट्री जो भी आपको लगता है अब वो उसको करो, उसके भी मीडियम वाले जिसमें कैलकुलेशन कम हो, जो तुम पढ़ोगे तो कर लोगे, जो तुमने कर रखे वो करो। इस तरीके से पूरे के पूरे 2.5 आवर ले ले आप, आधा घंटा पहले ही हो चुका है, आधा घंटा पहले ही हो चुका है, 45 नेक्स्ट 45 में वापस से बायो कर लें या केमिस्ट्री कर लें, नेक्स्ट 45 में आप केमिस्ट्री कर लें, तो आपके पास कितने हो गए 45 45 90, मतलब डेढ़ घंटा हो चुका है, आधा घंटा वहां चुके, 2 आवर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इसी तरह से फिजिक्स किया, इसी तरह से केमिस्ट्री कर लिया, अब आपके पास बचा है पूरा का पूरा 1 घंटा बायो का। बायो आप बहुत इजीली 1 घंटे में कर सकते हो, बहुत इजीली, आप लोग की है प्रैक्टिस इतना मैं मानता हूं, और ऑलरेडी कितने करने ही है 30 पहले ही कर चुके हो, 60 बचे हैं 60 मिनट में, तो इजीली कर लेते हैं आप लोग, कर लेंगे, कर लिया बच्चे, तो आप समझो 40 केमिस्ट्री फिजिक्स में ही कर चुके हो, 40 केमिस्ट्री में ही कर चुके हो, और बायो आप पूरी अटेम्प्ट कर चुके हो, क्योंकि बायो जनरली आप लोग को इजी लगती है, तो ऑलरेडी आप 600 प्लस क्रॉस कर चुके हो। फिर भी अगर आपके पास टाइम मिल जाता है, अब वो क्वेश्चन देखो जो डिफिकल्ट वाले थे, जो नए लग रहे थे, अगर हो जाते तो बढ़िया, नहीं तो एटलीस्ट जो हम कर सकते थे वो तो हमने कर दिए ना। एग्जाम में बच्चे दे ध्यान रखना, कभी भी तुम जितने नंबर का पेपर कर सकते हो, जितना तुम्हें आता है उतने ही एक्चुअली तुम कराए, उतने तुम्हारे मार्क्स आ गए तो तुम्हारा सिलेक्ट हो जाएगा। हर बार पेपर में लगता है यार ये तो मैं कर सकता था, बस एग्जाम में प्रेशर में नहीं कर पाया, या गलत स्ट्रेटेजी से पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू किया, इस वजह से नहीं कर पाया, तो वो जो काश आता है ना वो नहीं होना चाहिए दिमाग में। तो पेपर को हमेशा कैसे करना है, 3 अटेम्प्ट में, पहले 30 मिनट में बिल्कुल लल्लू, फिर नेक्स्ट 1.5 घंटे में वो क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के जो मीडियम लेवल पे थे, और 5-6 ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, उन्हीं को छोड़ देना, उनको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया, वो आपके 5 मिनट ले गया, तो एक तो वो खुद भी सॉल्व नहीं हुआ और 5 मिनट और खराब किए, जिसमें बायो के 5 क्वेश्चन करके आप 20 नंबर कलेक्ट कर सकते। मतलब ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे कि ऐसा लगे नया क्वेश्चन, इससे पहले मैंने इस तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, उसको अटेम्प्ट ही मत करो। फिर लास्ट वाले में बिल्कुल बायो कर लो अब अगले, और आप देखोगे, मैंने देखा जो बच्चे भी ऐसा फॉलो करते हैं मेरे, मैंने ऑफलाइन में बच्चों को बोला जो भी फॉलो करते हैं, उनके लास्ट में 15-20 मिनट बच जाते हैं, उन 20 मिनट में जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन थे अब उनके साथ खेलो, हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, अगर हो गए तो बहुत ही अच्छा,
इस तरीके से पेपर आप अटेंड करेंगे तो जो आपका बेस्ट पॉसिबल स्कोर है वो आपको मिलेगा, वो आएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह से पेपर अटेंड करने से आपका वो वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा जो आप कर सकते थे। होता क्या, हम सीक्वेंस में चलते हैं, एंड में टाइम शॉर्ट कर जाता है, तो बीच में हम क्या, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये वाले 5 मिनट वाले क्वेश्चन, ऐसे 5-6 भी आ गए तो आधे घंटे से ज्यादा टाइम हमारा खराब हो गया और हुए भी नहीं। तो ये जो आधे घंटे का खराब हुआ उसमें हम वो क्वेश्चन छूट जाते हैं हमसे जो हम कर सकते थे, जो हम इजिली कर सकते थे, हमें आते वह, तो आते वाले क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए पूरे पेपर को 3 पार्ट में, पहले सबसे लल्लू, फिर मीडियम वाले, और फिर बिल्कुल आखिरी में जो 15-20 मिनट बचेंगे उसमें हमें क्या करना है, डिफिकल्ट। और लास्ट पॉइंट, हर बार जो भी मॉक टेस्ट दें, जब भी उसका रिजल्ट आए तो उसमें राइट डाउन योर वीक पॉइंट्स, क्या गलतियां हुई, सिली मिस्टेक हुई तो क्यों हुई, एनालिसिस करो कि आखिरी वाले घंटे में कैसा पेपर हुआ था, आखिरी वाले पेपर में घंटे में क्या दिमाग काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, मार्क्स क्यों कम हुए, ये वाली गलती, कोई भी गलती हुई तो क्यों हुई वो लिखो। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, जब तुमने लिख रखा होगा पेपर में तो तुम्हें पता, तुम्हारे साथ रहेगा वो पेपर, तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखेगा ये तो, वो बार बार जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार वो पेपर देखेगा तुम्हें ध्यान आएगा इस तरह की गलती मैं कर चुका हूं। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन वही गलती बार बार करना गलत है। तो अपनी गलतियां रिपीट ना हो इसलिए राइट डाउन योर वीक पॉइंट्स और उनको इंप्रूव करने के लिए काम करिए, या अपनी वीक पॉइंट्स को टीचर से डिस्कस करिए, मेरे से डिस्कस करिए कि सर ये समस्या आई तो फिर मैं उसका स्पेसिफिक और इलाज बताऊंगा। तो कुछ बातें समझ में आई कि क्या चीजें फॉलो करनी है जिससे अपनी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ना हो, बात आई समझ में? तो इसी तरह बच्चे, और मैं अपने जो YouTube है उस पर मैं SC वर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज सॉल्व करा ही रहा हूँ, उसको जरूर फॉलो करें। उनको फॉलो करने से आपके जो भी चैप्टर मेरे साथ SC वर्मा का सॉल्व करेंगे YouTube पे, उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेके वो बहुत बढ़ेगी, आप बढ़ जाएगी और आपके मार्क्स काफी इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मेरे लेक्चर ये चीज पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और हाँ बच्चे, जो मैंने बताया क्रैश कोर्स चल रहा है, हर एक दिन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी वेट ना करें, आज के आज ही सब्सक्राइब करें। और ये जो मेरा कोड है ASLIVE, जरूर अप्लाई करें ASLIVE। और ये मेरा जो नंबर है 9540631609, कोई दिक्कत हो जिस पे कॉल कर सकते हैं, ये कोड जरूर ध्यान रखना है। जब भी सब्सक्राइब करने जा रहे हो अप्लाई करें, आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरे ऐप पे भी आपका नाम शो करने लगेगा। ठीक है बच्चे, चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।